Welcome to Perkins TOEFL reading section. I'm going to tell you what is going to happen in the reading section. They are going to be anywhere from 3 to 5 passages. और हर पैसेज में 12 से 14 क्वेश्चंस होंगे. वो वेरी कर सकता है, वो किसी में 12 होंगे, किसी में 14 होंगे. एंड देर आर गोइंग टू बी एनीवेयर फ्रॉम 60 to 100 मिनट्स विच आर गोइंग टू बी गिवन टू यू. अब ये क्यों है कि 3 to 5 पैसेजेस हो सकते हैं. अगर वो आपको 3 पैसेज दे रहे हैं, हर पैसेज के लिए वो आपको 20 मिनट्स देंगे. अगर वो आपको 5 पैसेज दे रहे हैं, तो तब वो आपको हर पैसेज के लिए 20 मिनट्स के हिसाब से आपको 100 मिनट्स मिल जाएंगे. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई 3 पैसेजेस और व्हाई 5 पैसेजेस. वो डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर एक सेक्शन ऐसा होता है जिसके वो ग्रेडिंग नहीं करते. अब हमें ये नहीं पता वो सेक्शन कौन सा है. ये ETS की एक नॉर्मल रूटीन है. ऑल द एग्जाम्स दे आर ऑफरिंग, जैसे TOEFL है, GRE है, जितने भी एग्जाम, ऑल द एग्जाम्स दे ऑफर, दे वुड बी गिविंग यू सेक्शन, दे वुड बी गिविंग यू सेक्शंस विद इन सेक्शंस. मतलब एक रीडिंग का सेक्शन है, उसके अंदर जो रीडिंग का पार्ट है उसके अंदर एक या दो वो आपको ऐसे देंगे जिनकी मार्किंग नहीं होगी, फिर भी वो चाहेंगे कि आपको कि आप अपनी पूरी एफर्ट दें. एंड यू डोंट नो वेदर इट्स द फर्स्ट वन और द लास्ट वन. इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल. तो हमें नहीं पता बेसिकली कि कौन से हो सकते हैं. वो हमारा आपका स्टेमिना भी देख रहे होंगे, आपका स्टेमिना क्या है, कि आप कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं. सो वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, ट्राई टू प्रैक्टिस 5 पैसेजेस, बिकॉज इफ 3 पैसेजेस कम, तो एग्जाम जो आप घर में कर रहे हैं प्रैक्टिस या किसी अकेडमी में, तो 5 पैसेजेस की प्रैक्टिस किया करें टाइम में करने की. क्योंकि जब अगर आप 3 की करें, वहां आपके पास ज्यादा बर्डन होगा तो आप एग्जॉस्ट